अगर अपने दोस्तों के साथ मस्ती और मजाक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी का भी व्हाट्सअप हैंग करवा सकते हैं, और उसका जो व्हाट्सअप होगा, इवेन उसका जो फोन होगा, वो कुछ पल के लिए एकदम शांत हो जाएगा। कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए आप सभी को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, और उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां से जाकर आप उसे अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अब यहां पे आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और यहां पे आप सभी को एक प्यारा सा ऐसा मैसेज तैयार करना है जिसपे लोग क्लिक करे बिना रह ही नहीं सके। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये भाई मत क्लिक करना, ठीक है। इतना हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे आपको एक छोटा सा दो वर्ड का एक कोड ऐड करना है, और उस कोड का जो नाम है वो है आपका 8206 स्पेस 820। ये कोड जब आप यहाँ पे बाइनरी ASCII कोड के अंदर डालोगे तो जो उसका रिजल्ट होगा वो उसका मीनिंग लेस होगा। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐड किया 8206 8207, तो इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग लेस है। तो आपको यही ट्रिक लगाकर एक ऐसा मैसेज तैयार करना है जिससे किसी का भी मोबाइल बोलती बंद कर दे। तो दोस्तों, इसके लिए आप नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हो या मेरे जैसा एक व्हाट्सएप चैट। तो यहाँ पे हम इसी मैसेज को बहुत बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस मैसेज को आप तब तक कॉपी पेस्ट करो जब तक आपका फोन रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। यहाँ पे मैं इसे आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मैं बहुत लंबा मैसेज तैयार करने वाला हूँ जिससे किसी का भी कितना भी पावरफुल फ़ोन हो उसका एक बार नोट रिस्पॉन्डिंग तो लिख ही देगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है वो नोट रिस्पॉन्डिंग करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लेट से रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कि हमारा मैसेज जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पे इन सभी मैसेजेस को सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे इन्हें कॉपी कर लेना है। आपको कितना लेट से रिस्पॉन्स किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मैसेज को कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आपको ASCII कन्वर्टर के अंदर, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, इस एप्लीकेशन के अंदर आकर जो अभी आपने मैसेज उतना लिखा, उतना जो मेहनत किया, उसको यहाँ पे आगे या फिर पीछे लाकर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से जब यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दोगे तो देख सकते हैं अभी ये नोट रिस्पॉन्डिंग करने लगा, लेट से रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कि हमारा जो पक्का वाला मैसेज है वो तैयार हो चुका है। हो सकता है कि ये एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए। देख सकते हैं कि अभी तक जो मैसेज है वो पेस्ट नहीं हुआ है, मतलब कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और शायद हम सक्सेसफुल हो भी जाएँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे ASCII कन्वर्टर एप्लीकेशन जो है वो काम ही करना बंद कर दिया। देख सकते हैं कि नोट रिस्पॉन्डिंग लिख दिया। तो यहाँ पे हम ओके पे एक बार क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आपका ये नहीं करे तो फिर से आप मैसेज तैयार कीजिए, और उतना कम तैयार कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा मैसेज पेस्ट हो चुका है। देख सकते हैं कि ये हमारा काम कर दिया दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज था वो पेस्ट हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपको इस मैसेज को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अभी ये कॉपी नहीं हो रहा है। आपने देखा कि हमारा जो पुराना वाला मैसेज था वो मेरे फ़ोन को ही हैंग कर दिया।
तो अभी मैंने शॉर्ट में ही बनाया हूँ, जिससे कि आप सभी को मैं ये चीज़ सिखा सकूँ कि कुछ ऐसा आप ट्राई करके आप किसी का भी जो व्हाट्सअप है, इवन उसका जो फ़ोन है, उसे आप हैंग करवा सकते हैं। तो इसके लिए ये आप मैसेज को यहाँ से सभी को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करा था, उस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आप पहले मैसेज तैयार कर लो। अब यहाँ पे आप आगे या फिर पीछे यहाँ पे इस मैसेज को पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद अगर आपका ये रिस्पॉन्स कर रहा है तो एक बार और यहाँ पे आप मैसेज को पेस्ट कर दो कि ये मैसेज बनाकर मज़ा नहीं आया, उसका फ़ोन हैंग नहीं हुआ। तो आप एक बार फिर से यहाँ पे मैसेज को पेस्ट कर देना, जिससे कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका जो काम है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इस मैसेज को कॉपी कर लीजिए। ये देखिए हमारा कॉपी हो चुका है, और बस आपको जिसके पास ये वाला मैसेज भेजना है बस वहाँ पर उसके चैट में आकर और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसे सेंड कर दीजिए। ये मोटोरोला फ़ोन है और इसमें स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर लगा हुआ है, और देखिएगा कि इस फ़ोन की हालत क्या होने वाला है। खैर, इसकी हालत वैसा का वैसा ही है, मतलब थोड़ा हैवी चाहिए तो थोड़ा हैवी मैसेज तैयार कीजिए और फिर आपका ये ट्रिक काम कर जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले कुछ सेकेंड पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरा खुद फ़ोन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो आप समझ ही सकते हो। बाकी ये जो वीडियो था सिर्फ मस्ती और मजाक के लिए था, तो आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।